हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे बटरस्कॉच फ्लेवर का शाही टुकड़ा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। एक बड़ा सा पैन में मैंने यहाँ पे आधा लीटर उबला हुआ दूध लिया है। इस दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये आधी ना हो जाए। ऑलमोस्ट दूध आधा हो गया है। यहाँ मैंने 2 चम्मच जितना चीनी लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हैं। रिचनेस के लिए मैंने यहाँ पे 1 स्पून जितना मिल्क मेड डाला है। यहाँ पे मैंने 10 से 12 कैल्शियम नट्स को चप करके डाल दिया है। आप चाहे तो कोई भी नट्स को डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने बटरस्कॉच का चिप्स डाला है। अगर आप चाहे तो बटरस्कॉच का क्रश भी डाल सकते हो। मेरे पास क्रश नहीं था तो मेरे पास चिप्स था तो मैंने डाल दिया है। आप कोई भी चिप्स हो या क्रश हो, फ्लेवर के लिए कुछ भी डाल सकते हो। मिठाई में इलायची पाउडर ना डाले तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 स्पून जितना इलायची पाउडर डाल के इसको मिला दिया है। यहाँ पे मलाई ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और एक कढ़ाई अभी हम लेके इसमें अभी घी डालेंगे। मैंने यहाँ पे घर पे बना हुआ घी डाला है। शाही टुकड़ा ब्रेड से ही बनता है तो मैंने यहाँ पे ब्रेड के छोटे छोटे स्लाइसेस बना दिया है। आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का यूज किया है। ब्रेड्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये
क्रिस्पी ना बन जाए। देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी बन गया है। हम अभी इसको कढ़ाई से निकाल देंगे। ज्यादातर शाही टुकड़े में ब्रेड्स को चाशनी में डुबाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चाशनी का उपयोग नहीं किया है। मैं सिर्फ डायरेक्ट इसको मलाई के साथ सर्व करूंगी। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये बन के रेडी हो गया बटरस्कॉच फ्लेवर का शाही टुकड़ा। इसको हम ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको फ्रीज में रख के थोड़ी देर के बाद इसको हम सर्व करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।